अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अमृतवाणी के समस्त दर्शकों को आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। ये कार्यक्रम मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत किया जा रहा है। इस समय पूरा हिंदू संसार चैत्र नवरात्रि के महान पर्व को धूमधाम से मना रहा है। अब हम अपने नूतन वर्ष में आ गए हैं युगादि से, और हम हिंदुओं का नूतन वर्ष प्रारंभ होता है। और हमारे क्रांति दृष्टा जो ऋषि लोग हैं, उन्होंने नए वर्ष के प्रारंभ में ही हमको शक्ति पूजा का विधान दिया, क्योंकि जब वर्ष प्रारंभ हो रहा है और उसके प्रारंभ में ही यदि हम शक्ति की पूजा आद्या शक्ति भगवती जगदम्बा की उपासना में लग जाते हैं, तो माँ जगदम्बा की कृपा प्राप्त करके पूरा का पूरा वर्ष हम लोगों के लिए मंगलकारी हो, ये भावना है। इसीलिए चैत्र नवरात्र, जिसमें दुर्गा की उपासना करने के लिए ये समय बहुत उपयोगी होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय माँ जगदम्बा जागृत अवस्था में रहती है, और इसीलिए शक्ति के जितने स्थल हैं, विशेष रूप से पूरे हिमालय में, भारत में, और संपूर्ण जो शक्तिपीठ हैं, विशेष रूप से 51 शक्तिपीठ माने गए हैं, यहाँ पर चैत्र नवरात्र में माँ भगवती आद्या शक्ति जगदम्बा की विशेष उपासना की जाती है। भगवती आदि शक्ति जगदम्बा, हमारे शास्त्रकर्ताओं ने कहा कि संपूर्ण शक्ति का स्रोत है, सारी शक्ति जगदम्बा दुर्गा माँ में निहित है। और आप जानते ही हैं कि हमको संसार में प्रत्येक कार्य करने के लिए एक शक्ति की आवश्यकता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा, क्योंकि जगदम्बा में सारी शक्ति निहित है, तो इसलिए कहा कि आप शक्ति की उपासना करो। माँ शक्ति जगदम्बा आपकी मनोभिलाषित शक्ति आपको प्रदान करेगी और आपका उत्थान हो जाएगी। इसीलिए हम वर्ष के प्रारंभ से ही शक्ति की उपासना करते हैं। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यै त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सब मंगल और मंगल्य को देने वाली भगवती आद्या शक्ति जगदम्बा हमारा ये सारा नूतन वर्ष मंगलमय करे। इस वर्ष में हमारे जीवन में कोई कठिनाई ना आए, कोई विघ्न बाधाएं ना आए, इस तरह से हम आद्या शक्ति भगवती जगदम्बा की उपासना करते हैं। और साथ ही साथ, क्योंकि जो चैत्र नवरात्र है, इस चैत्र नवरात्र की नवमी तिथि के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आविर्भाव इसी तिथि को हुआ था, तो इसलिए बहुत सारे भगवान के भक्त पूरे और इस नवरात्र में रामायण का पाठ करते हैं, विशेष रूप से रामचरितमानस का पाठ करते हैं। नवाह पारायण, 9 दिन में संपूर्ण रामचरितमानस का पारायण करते हैं। और बहुत सारी जगहों पर श्री राम कथाओं का भी आयोजन होता है। भगवान श्री राम, आप समझ सकते हैं कि हम हिंदुओं के और रग रग में भगवान राम बसे हुए हैं। संपूर्ण संसार भर के हिंदुओं की भगवान राम में सबसे अधिक निष्ठा, सबसे अधिक भक्तिभाव यदि कहीं दिखता है तो भगवान श्री राम के चरणों में।
क्योंकि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए हैं। भगवान होते हुए भी उन्होंने जब धरती पर अवतार धारण किया तो एक मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, किस मर्यादा में और उसका संसार बीतना चाहिए, ये भगवान श्री राम ने बोल करके नहीं बल्कि स्वयं आचरण करके हमको इस बात की शिक्षा दी है। और इस त्योहार को मनाने के पीछे हमारे जो ऋषि हैं उनका यही लक्ष्य है कि प्रत्येक हिंदू समाज में हर बच्चा राम की तरह उत्पन्न हो, राम की तरह है और अपने जीवन को यापन करने वाला हो, राम की तरह है पुत्र धर्म का निर्वाह करने वाला हो, राम की तरह भ्रातृ धर्म का निर्वाह करने वाला हो, राम की तरह राज धर्म का निर्वाह करने वाला हो, मतलब जीवन के सभी क्षेत्रों में भगवान श्री राम ने जो आदर्श स्थापित किए हैं वो आदर्श पूरा हिंदू समाज ही नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए एक मूल मंत्र के समान है। मैं समझता हूं कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी धर्म का पालन करने वाला होगा, प्रत्येक व्यक्ति चाहेगा कि उसको राम जैसा पुत्र प्राप्त हो, कोई नहीं चाहेगा कि उसका पुत्र जो है और वो दुष्कर्म वाला हो, सभी चाहेंगे कि राम जैसा पुत्र हो, सबकी अपेक्षा होती है। और हम हिंदुओं को तो इस पर अत्यंत गौरव करना चाहिए कि ये हमारी संस्कृति की उपज है। भगवान श्री राम उन्होंने मानव जीवन को प्राप्त करके और मानवता की वो अद्भुत शिक्षा समाज में हमको दी, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं कि जब भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक उनका हुआ, जब राम गद्दी पर बैठे तो राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित गए उभय सब शोका, बयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। ये भगवान का राज धर्म देखिए, जब भगवान राज गद्दी पर बैठे हैं तो गोस्वामी जी ने भी कहा कि उनके गद्दी पर बैठते ही पूरा समाज में वैमनस्य समाप्त हो गया, सारे राग द्वेष समाप्त हो गए। जीवन ऐसा होना चाहिए। हम राम कथा को सुन रहे हैं, विशेष रूप से देश भर में सभी मंदिरों में राम कथा हो रही है इस समय। मेरा आग्रह है कि सभी लोग अधिक से अधिक और संख्या में उपस्थित हों अपने मंदिरों में और भगवान राम की कथा को सुन करके थोड़ा सा उसको अपने जीवन में डालने की कोशिश करें। भगवान तो भगवान है लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कैसी मर्यादा की स्थापना की, जो मनुष्य का धर्म है उस धर्म का विधिवत पालन किया, एक रंच मात्र जो है वो अपने रास्ते से इधर उधर नहीं हुए। प्रातः काल उठ करके बच्चों को जिस तरह से माता पिता के चरणों का वंदन करना चाहिए उसी तरह से भगवान राम कर रहे हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाय माथा, ये आदर्श हमारे सामने रखा कि हम सुबह उठते ही सबसे पहले अपने पूज्य जनों को स्मरण करें, उनका समादर करें, ये हमारी संस्कृति है। किस तरह से एक भाई का दूसरे भाई के प्रति उत्तरदायित्व होता है, कैसा आचरण होता है, वो हमको रामचरितमानस सिखाता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि रामायण तो बस ऐसे ही है, लेकिन वास्तव में रामायण ऐसा वैसी चीज नहीं है श्रोताओं। रामायण के विषय में यहां तक कहा
कि आपके जीवन में जितनी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं का निदान, उस सारी समस्याओं का उत्तर रामायण है, रामचरितमानस है। आपके जीवन में जितनी समस्या है आप रामचरितमानस खोल के देखिए, उस सब समस्या का उत्तर उसमें प्राप्त होगा। आपके जीवन में दुख है ही कितने, आप भगवान राम के और जीवन को देखिए कि रात को सोए थे ये जान करके कि कल सुबह राजा बनना है, और सुबह उठते ही वनवास की घोषणा हो गई। कैसा कैसा दुख जो है जीवन में खड़ा हुआ, लेकिन भगवान राम ने और कितने आसानी से इस दुख को, इस दुख से बाहर निकल गए। ये भगवान राम का चरित्र हमको बतलाता है कि किस तरह से पुत्र को माता पिता का सम्मान करना चाहिए। आज हम इस चीज की बड़ी कमी और अपने संसार में देख रहे हैं, आज की संतानें माता पिता बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, न उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। माता पिता उनके पास जीवन के बहुत अमूल्य अनुभव हैं, बड़े बुजुर्गों के पास जीवन के अनुभव हैं, इसलिए उनको दूर मत रखिए, उनको नज़दीक रखिए, उनके आप और हो सके आप उनके नज़दीक रहिए, क्योंकि आपके जीवन में बड़े बुजुर्ग जो हैं और वो बहुत ऐसी अद्भुत सलाह दे सकते हैं कि आप आसानी से और जीवन के कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। आज हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो अनाथ आश्रमों में दिखाई दे रहे हैं। जिस हिंदू के पास में रामचरितमानस जैसा दिव्य ग्रंथ है, जो हिंदू रामचरितमानस जैसे दिव्य ग्रंथ पर निष्ठा रखता है, उस हिंदू के माँ बाप यदि अनाथ आश्रमों में हैं तो धिक्कार है ऐसे हिंदू के जीवन में। आप प्रतिवर्ष रामनवमी का महोत्सव मना रहे हैं और इस तरह से बड़े बुजुर्गों का अपमान हो रहा है समाज में, बड़े बुजुर्ग जो हैं वो दुखी दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपका रामनवमी का महान पर्व मनाना तो सब निरर्थक हो गया। भगवान राम के जीवन के उसके आदर्शों को यदि हम अपने जीवन में नहीं ढाल सके तो फिर रामनवमी मनाने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसलिए प्रतिवर्ष हम रामचरितमानस का पाठ करें और उस कथा को सुने। रामायण सभी हिंदुओं के घर में है, लेकिन सब लोगों ने उसको बढ़िया कपड़े से बांध करके सजा करके रखा हुआ है। वो सजाने की पुस्तक नहीं है, उसको खोलना है, बैठ करके पढ़ना है। एक एक चौपाई एक एक मंत्र के समान है। यदि व्यक्ति एक ही चौपाई को अपने जीवन में ढाले तो उतने से भी और उसका जीवन जो है बहुत सुखमय हो सकता है, बहुत आनंदमय हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस महान पर्व को धूमधाम से मनाएं, अपने जीवन में उसको ढालें। अभी आपने देखा कि किस प्रकार से अयोध्या में है ना, और इतने वर्षों के संघर्ष के बाद भगवान श्री राम को वहाँ पर स्थापित किया गया। ये संपूर्ण संसार के हिंदुओं का एक महान गौरव है। आज हम और अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि भगवान राम लला जो हैं वो अपने स्थान पर आ गए हैं, और ऐसे अवसर पर तो हमें बहुत अधिक और ज़्यादा ही भगवान श्री राम की अर्चना, उनकी कथाओं को सुनना ये होना चाहिए। तो इस नूतन वर्ष के अवसर पर मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन की ओर से मैं आप सभी लोगों के लिए रामनवमी की इस पावन महोत्सव पर मंगल कामना व्यक्त कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान श्री राम आप सब लोगों को सद्बुद्धि दे, सभी लोगों के घर में सुख संपत्ति हो, सुख समृद्धि हो, सभी का जीवन निरामय हो, आनंदमय हो,
बयर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। किसी तरह से हमारे मनों में और वैमनस्य न रहे, सारा हमारा मन जो है प्रेम से भर जाए, अपने धर्म को हम समझने लगें, एक बार पीछे मुड़ करके अपने धर्म की ओर चलें, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो मैं भगवान प्रभु राम से प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु राम आपकी सब मनोकामना को परिपूर्ण करे। जय श्री राम। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।